हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, सो प्लीज ओपन योर बुक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। एज बी नो स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस वीडियो I told you about lesson number 4, which name is food we eat, means खाना जो हम खाते हैं। And I taught you mean of this lesson in my previous video also. And today students we are going to start exercise of this lesson. ठीक है बच्चों, तो आज हम lesson number 4 की exercise complete करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को ध्यान पूर्वक देखना है, समझना है, ठीक। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फूड गिव्स अस टू वर्क एंड प्ले। तो बच्चों खाना हमें देता है खेलने और कार्य करने के लिए। तो बच्चों खाना हमें खेलने और कार्य करने के लिए क्या देता है, तो यहां से हमें देखना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, यानी स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, वीकनेस देता है या एनर्जी देता है। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि खाना हमें कार्य करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम एनर्जी को टिक करेंगे, यहाँ पर एनर्जी आएगा, तो यहाँ पर हमें टिक करना है स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को। उसके बाद है, पोटैटो इज ए एन फूड, यानी जो पोटैटो है वह किस प्रकार का खाना है। बच्चों बॉडी बिल्डिंग है, यानी बॉडी बिल्डिंग का खाना है, यानी वह हमारे शरीर की जो ढांचा है उसको बनाए रखता है। एनर्जी गिविंग है या प्रोटेक्टिव है या ऑल। तो बच्चे जो हमने पोटैटो के बारे में स्टडी किया था वो हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। कैसा फूड है? एनर्जी गिविंग फूड। तो यहाँ पर हमें एनर्जी गिविंग पर टिक करना है, ठीक है, यानी पोटैटो हमें एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ बच्चों मीट इज ए एन फूड। तो बच्चों जो मीट है वो किस प्रकार का फूड है? एनर्जी गिविंग है, प्रोटेक्टिव है, बॉडी बिल्डिंग है या नन? तो बच्चों जो हमारा मीट था वह हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। कैसा फूड होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड को टिक कर देना है, समझ में आया सभी को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फूड, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फूड, यानी जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं और वेजिटेबल्स हैं वो किस प्रकार के भोजन है, किस प्रकार का खाना है, प्रोटेक्टिव है या एनर्जी गिविंग है या बॉडी बिल्डिंग है या ऑल है। बच्चों वो होता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, यहाँ पर हम प्रोटेक्टिव पर टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट कर लिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम्प्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए विद द वर्ड्स, यानी जो हमें वर्ड्स दिए गए इनके साथ, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, यानी नीचे दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। ऑल फ्रूट्स एंड सम ऑफ द वेजिटेबल्स आर ईटन, यानी सभी फल एंड सम ऑफ द वेजिटेबल्स और कुछ सब्जियां आर इटन खाई जाती हैं। तो बच्चों कुछ फल और कुछ सब्जियां खाई जाती हैं, यानी सारे फल और कुछ सब्जियां खाई जाती हैं। किस प्रकार से खाई जाती है बच्चों, मैंने बताया था, यानी कुछ फलों को, सॉरी कुछ सब्जियों को और सभी प्रकार के फलों को हम कैसा खाते हैं? कच्चा खाते हैं, यानी यहाँ पर रॉ आएगा, ठीक है, यानी बिना पकाए हम इनको खा लेते हैं, तो आएगा रॉ, यहाँ पर ये मिल करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद है, वी सम वेजिटेबल्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड टेस्टी, यानी बच्चों वी हम सम वेजिटेबल्स यानी कुछ सब्जियों को टू मेक देम सॉफ्ट एंड टेस्टी। बच्चों हम कुछ सब्जियों को सॉफ्टी यानी मुलायम और टेस्टी स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? उनको कुक करते हैं, बनाते हैं, तो यहां पर आएगा कुक, क्या आएगा? कुक, ठीक है, यानी इनको पकाते हैं, ठीक है ना, क्या करने के लिए? उन सब्जियों को मुलायम करने के लिए और स्वादिष्ट करने के लिए। आगे है, वेयर हेल्प अस टू फूड, वाटर हेल्प अस टू फूड,
यानी वाटर जो पानी है सहायता करता है खाने की, किस प्रकार सहायता करता है बच्चों, यानी पानी की क्या भूमिका है, यानी वह डाइजेस्ट करता है हमारे खाने को, तो यहाँ पर आएगा डाइजेस्ट, ठीक है। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट यानी खाना, यानी वाटर जो पानी है खाने को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे है वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड और फूड, बच्चों हमें नहीं खाना चाहिए अनकवर्ड बिना ढका हुआ, और बच्चों बासी बताया था मैंने, बासी यानी बिना ढका हुआ, और बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा स्टूडेंट्स स्टेल, क्या आएगा स्टेल STALE, यहां पर राइट करेंगे STALE। उसके बाद बच्चों वी मस्ट आवर माउथ आफ्टर एवरी मील्स, यानी वी मस्ट हमें चाहिए आवर माउथ अपना मुंह आफ्टर एवरी मील, प्रत्येक खाने के बाद, तो हमें प्रत्येक खाने के बाद अपने मुंह का क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, तो यहां पर बच्चों हम क्या फिल करेंगे, यहां पर हम फिल करेंगे रिंस, RINSE रिंस, ठीक है RINSE, ठीक। वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी है स्टूडेंट, ड्रो यानी ये साइन हमें ड्रो करना है फॉर ट्रू सही के लिए, एंड इस साइन को फॉर फॉल्स स्टेटमेंट यानी गलत स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो स्माइल करता हुआ साइन है वो हम जो है सही के लिए शो करेंगे, और जो हमारा स्माइल करता हुआ साइन नहीं है यानी जो उदासी वाला साइन है वो हम गलत स्टेटमेंट पर ड्रॉ करेंगे। जैसे बच्चों यहां पर है वी मस्ट च्यू आवर फूड प्रॉपरली, यानी वी मस्ट हमें चाहिए च्यू मीन्स चबाना, आवर फूड अपना खाना प्रॉपरली सही ढंग से, यानी हमें अपने खाने को सही ढंग से चबाना चाहिए, तो सही बात है ना, हमें अपने खाने को बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए, तो यहां पर हम ये स्माइली वाला आइकन शो कर देंगे, तो यानी हमें ये आइकन बना देना है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे वी ईट सम वेजिटेबल्स रॉ, यानी वी ईट सम वेजिटेबल्स यानी हम खाते हैं कुछ सब्जियों को रॉ कच्चा, तो सही बात है हम कुछ सब्जियों कच्चा खाते हैं, तो यहां पर हमें स्माइली वाला आइकन बनाना है। उसके बाद है इट इज हाइजेनिक टू ईट फूड फ्रॉम रोड साइड शॉप, तो जो यह है स्वास्थ्यकर होता है, यानी जो रोड साइड वाला खाना होता है उसे खाना हम, यानी उसको खाना स्वास्थ्यकर होता है, यानी वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो जो ये गलत बात है कि जो रोड साइड खाना होता है जो सड़क के पास में जो ठेले लगे होते हैं खाने के, यदि हम उसको खाते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा सैडनेस वाला आइकन है उसको यहां पर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी टू रिंस आवर माउथ आफ्टर ईच मील्स, यानी प्रत्येक खाने के बाद अपने मुंह को पोंछना आवश्यक नहीं है, तो बच्चों ये भी गलत बात है, क्योंकि हमें प्रत्येक खाने के बाद अपने मुंह को पोंछना चाहिए, साफ करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें भी हम जो है सैडनेस वाले आइकन से शो करेंगे। उसके बाद है वी शुड नेवर ओवर ईट, यानी हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए ईट में फैलस से, यह हमें बीमार कर सकता है, तो सही बात है हम यदि ज्यादा खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो यहां पर हमें स्माइली वाला फेस शो करेंगे, ठीक है। तो ये अब जो हम कंप्लीट कर चुके हैं बातें है आपके क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन नंबर डी है आंसर द फॉलो आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसी नंबर वन है व्हाट डू यू मीन बाई एनर्जी गिविंग फूड, यानी एनर्जी गिविंग फूड से आप क्या समझते हो, तो बच्चों एनर्जी गिविंग फूड लिखना है क्या होता है, तो यहां पर आएंगे बच्चों एनर्जी गिविंग फूड का एक हेडिंग है यहां पर आप देख सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ये है बच्चों एनर्जी गिविंग फूड, तो आपको यहां से जो पहले का आंसर है वो यहां से है, इससे फूड से, ठीक है। फूड विच गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, तो यहां पर ये यहां से वन का आंसर है, मैंने यहां पर टिक कर दिया, आपको यहां से यहां तक राइट कर लेने, खाना विच गिव्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी देता है, इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, वह एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी आप बॉडी बिल्डिंग फूड्स बॉडी बिल्डिंग खाने से क्या समझते हो, तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर आपको एडिंग मिलेगा बॉडी बिल्डिंग फूड, तो आपको यहां पर राइट करना है कहां से, यहां से फूड विच सपोर्ट आवर बोन्स एंड मसल्स टू ग्रो
स्ट्रोंगर इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी खाना जो सहायता करता है हमारी हड्डियों और मसल्स में टू ग्रो स्ट्रोंगर, यानी इनको मजबूत करने के लिए इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, वह बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। तो यहां से फूड से लेके आपको बॉडी बिल्डिंग फूड, ये जो ब्लैक कलर से यहाँ पर राइट है यहां तक करना है, और ये हमारा टू का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, फिर कर लेंगे सब बच्चे, आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव फूड, यानी आप प्रोटेक्टिव फूड से क्या समझते हो, तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है। तो यहां पर देख सकते हैं प्रोटेक्टिव फूड का यहां पर हेडिंग है स्टूडेंट्स। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, तो यहां पर बच्चों बात करेंगे फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज एंड सपोर्ट अस इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, यानी यहां से फूड से लेके प्रोटेक्टिव फूड तक, यानी खाना जो हमारे लिए सहायक है बीमारियों से लड़ने के लिए, एंड सपोर्ट अस इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने में सहायक होता है, इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। तो यहां से लेके यहां तक ये थर्ड का हमारा आंसर है स्टूडेंट। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर वेजिटेरियन, हु आर कॉल्ड वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन कौन कहलाता है। तो बच्चों वेजिटेरियन मीन्स क्या होता है, शाकाहारी। ठीक है, यानी जो केवल क्या खाते हैं, पौधों से प्राप्त खाने को खाते हैं और दूध और उसके उत्पादों का भोग करते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। तो आप यहां देखेंगे ए वेजिटेरियन ईट फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल्सो कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक, तो यहां से ऐसे लेके आपको मिल्क प्रोडक्ट्स तक राइट करना है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा 4 का। समझ में आया सभी को, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू फॉलो गोल्डन फूड हैबिट्स, क्या आप गोल्डन फूड हैबिट्स आदतों को फॉलो करते हो, राइट डिजिटल एग्जाम्पल। तो बच्चों जो गोल्डन फूड हैबिट्स थी वो क्या थी, यानी उसमें हमें बताया गया था कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको हमें फॉलो करना है। ठीक है ना, तो उनको हम फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। तो मैं यहां राइट कर रहा हूँ यस वी फॉलो गोल्डन फूड हैबिट्स बिकॉज वी कैन अवॉइड मैनी डिसीजेस ठीक है बच्चों, तो मैंने यहां राइट किया यस वी फॉलो, यानी हम फॉलो करते हैं, हम पालन करते हैं गोल्डन फूड आदतों का बिकॉज वी कैन अवॉइड मैनी डिसीज, क्योंकि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है ना, क्या करके, इन गोल्डन फूड हैबिट्स का पालन करके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों रहेगा इतना ही, ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम आगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।